ये स्कॉर्पियो यहाँ पे कितने की पड़ेगी अगर आप लेने जाओगे तो? करोड़ में जाएगी। करोड़ में तो आरसी चाहिए है? बिना आरसी के ना होगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या नंबर है हमारी गाड़ी का। बहुत भाइयों का एक्साइटमेंट थी तो उल्टे ही चले फिर भाई, और कहाँ करें। हेलो भाई, मैं मनोवार। अभी आपने देखा था हम बिहार के अंदर हैं। अभी भाई बिहार पे ही हमारा आने का प्लान नहीं था, यहाँ से तो हमको अभय भाई को पिक करना था, तो एक दिन हम यहाँ पे स्टे कर गए कि चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा बिहार को एक्सप्लोर कर लेते थोड़ा बहुत। हमारा प्लान था नेपाल जाने का, क्योंकि बिहार से नेपाल 2-3 घंटे की दूरी पे ही है जहाँ पे इसका घर है, कुचाईकोट गोपालगंज। तो आज हम जाने वाले हैं और हमारी गाड़ी का है टेम्पररी नंबर। सबसे मेजर इशू ये है, एक वीडियो पे कमेंट आई थी कि ना इसमें आरसी देखते हैं वो लोग, और मतलब ये हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, क्योंकि भाई नेपाल एक कंट्री है अलग ही। तो वहाँ पे इंडिया में घुसने के लिए हमको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या चाहिए, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं पता भाई। और हम गाड़ी भी लेके जा रहे हैं टेम्पररी नंबर, तो ये भी एक बड़ा ही रिस्क है। तो देखते हैं भाई चल के घुसने देते नहीं घुसने देते, करेंसी वगैरह क्या सीन रहता है, कुछ नहीं आइडिया। बस ऐसे स्कॉर्पियो लिया है तो ऐसे पहाड़ वाड़ में बहुत घूम लिए, बीच बीच बहुत घूम लिए गोवा वोवा। तो एक बार सोचा कि दूसरी कंट्री मारते हैं, दूसरी एक बार गाड़ी से जाने का जो सपना सा होता है ना वो अपने साकार हो पाता है नहीं हो पाता, वो चल के देखते हैं। तो वही हमारे साथ जो बंदे हैं रवि है, ये अब है एड ऑन हो रहे हैं, और आकाश तो है ही जो हम फर्स्ट सेकंड पार्ट से दिखाई रहे हैं। थर्ड में तो आपने देखा था अंकल की गाड़ी साथ टक ओवर करा था। अंकल कैसा लगा था आपको वो अपनी गाड़ी को खींचते हुए देखना? बढ़िया था ना, हार गई लेकिन आपकी गाड़ी। अभी देखो भाई हम लोग निकल चुके हैं यहाँ इस गाँव से, कुचाईकोट से, मतलब गोपालगंज के पास है गाँव। यहाँ से है 8 घंटा 29 मिनट का रास्ता है, 286 किलोमीटर है। आपको दिखाते हैं रास्ते जरा कैसे होते हैं भाई। 86 किलोमीटर 8.5 घंटे और वही तो समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम है। बिहार अरे नहीं, उधर पहाड़ वाले रास्ते हैं रक्सौल के बाद ना। स्कॉर्पियो हमारा पीछा, स्कॉर्पियो कभी छोड़ ही नहीं सकते मेरी। अभी भाई यहाँ से निकलने से पहले ना इसमें जरा तेल और आधी टंकी वैसे तो है यार, इस बार तो ज्यादा नहीं मांग रही क्योंकि थोड़ा स्लो स्लो चला रहे हैं ना, तो सही सिस्टम है। इनका खुद का पेट्रोल पंप है ये ना, तो कह रहे ना ना डलवा लो यहीं से, कोई दिक्कत ना है। हमें वो ले लेते हैं यहाँ से कैश ना, तो यहाँ पे फोन पे कर देंगे भाई के पास। तो वो 30,000 बहुत है ना, क्योंकि वहाँ नेपाल में करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। 1 लाख लेकर गए थे, सारा खत्म हो गया था ना। ये गया था 1 लाख लद्दाख में, 1 लाख। तो चलो कैश यही से एक्सचेंज करवा लेते, बोला ना इनका ये तो भाई अपनी फायदा करवा रहे हैं इनको, ओ सही रहता है ना अकाउंट में, तो कौन जमा करवाएगा, हमारा भी सही एटीएम से कौन निकालेगा ना। आधी टंकी थी फिर भी 2900 रुपए का तेल खा गई है, ऊपर ऑटो कट के बाद ही भर दिया गया ठोक के। अभी भाई मैं अभय की और अभय के भाई की थोड़ी हवाबाजी बताता हूँ। 2900 रुपए का तेल डल गया, कह रहा अरे चल ना क्या जरूरत है, क्या जरूरत, 30,000 रुपए की तुमने पेमेंट कर दी कि कैश मिल जाएगा, कह अरे इसकी रहने दे इसकी रहने दे, हमारा ही है हमारा ही है। देख रहे हो बिहार वालों का दिल यहाँ पे दिखता नहीं है लेकिन है बड़ा, बहुत है? अरे ना रिच लोग यार, रिच लोग भाई अमीर ऐसे ही होते हैं। क्या करेगा तू? अरे इन्हीं का है। हाँ पता है मुझे। अरे जेरी कैन भरवा लो, फ्री मिल रहा है तो। देखना बिल्कुल फोटो कॉपी, देखना वाओ। निकल चुके हैं भाई अपने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे, पहली अंतरराष्ट्रीय है, दूसरे देश में, अपने देश में बहुत घूम लिए। रोड्स काफी अच्छे हैं भाई, एक बात तुम लोगों को कहनी पड़ेगी, मजा आता है ड्राइव करने में, गाड़ी खूब आराम से 110 120 आप चला सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ गंडक रिवर, और यहाँ पे तुम देखना अंग्रेज जो पुल बना के गए हैं वो तो अभी तक चल रहा है, और भारत सरकार जितनी बार बनाती है हर बार बह जाता है, आज तक चालू ना हुआ। ओ भाई यार तो बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी रिवर है भाई ये, भाई साहब कितनी बड़ी, देखना आगे देख, ये वाला पुल है क्या अंग्रेज वाला? हाँ ये अंग्रेजों वाला है, और इधर एक साइड में बना था वो आधा बह गया आधा बचा है उधर, तो अच्छा डबल लेन करने के लिए बना रहे होंगे, डबल साइड का ये वाला टूट गया। अरे बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है भाई, ऑफ सीजन इतनी बह रही है, सीजन में आएगा ना पूरा सब, पर दुनिया में पूजा तो पूजा मर जाएगा है ना। ऑडी कितनी है, कितनी ट्रक गिरे हैं इसमें, ये सब ऐसे ही टूटा है ट्रक वर्क से। हाँ दारू भी चढ़ाते हैं ये वाला जो है सरकार अपना इंडिया वाला है ये बना रही है, पिलर ही धस जा रहा है इनका देख कैसे बीच बीच में से। और यहाँ पे जैसा कि स्कॉर्पियो का क्रेज है ही भाई, और सब लोग स्कॉर्पियो के साथ साथ ये भी लगा के रखते हैं पीछे वाला, क्यों लगाते हैं आप देख सकते हो, किसी बाइक वाले बेचारे के सत्यानाश कर रखा है इसके स्टैंड का भी, ये ना होता तो उसमें ठोक देता। बस यहाँ पे इंडिया में ये चलता है जरूर, हाथ दिखा के गाड़ी रुकवाने का सिस्टम भाई। अब है कि ड्राइविंग पे काफी ये हंस रहे हैं यार ये लोग। अभी नेपाल जाने के लिए पता नहीं भाई कम से कम भी 50 किलोमीटर से सिंगल रास्तों में डोल रहे हैं, गाँव गाँव से में गूगल मैप्स पता नहीं कैसे कैसे लेके जा रहा है। और एक और चीज,
बहुत भाई कहते हैं फ्लिकर क्यों होती है इसके डिस्प्ले, तो भाई ये रियलिटी में फ्लिकर नहीं होती, बस कैमरे में दिखता है। ये कंपास वगैरह जितनी भी हाई क्वालिटी डिस्प्ले होती है ना, इनमें होता ही FPS वगैरह का कुछ हिसाब। भाई इस रास्ते पे चल चलते, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, देख रहे हो अब तक भी हम इसी पे ही है। यहाँ पे होगा बॉर्डर, देखना इंडो नेपाल बॉर्डर, ये रहा, ये देखना क्या सिस्टम है, पता नहीं आ रही है इतनी जल्दी। अरे हम नेपाल में एंटर करने वाले हैं क्या? यस हाँ, डंडो सा लग रहा तो रहे, शायद वही दिख रहा है। हाँ डंडा डंडा लग तो रहा है। आ गए हम बॉर्डर पे। और ये क्या फाटक सा आया मैं? तुम्हारा चश्मा उतरेंगे तो तुमको पता चलेगा कि आ गए। अरे यू का हाई एंट्री इंटरनेशनल, वाओ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इतनी इजीली। ये देखो भाई यहाँ पे, ये रहा, ये यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे सर जी हमारा उद्घाटन करने के लिए तैयार खड़े हैं। चलो यार ये कैसी है बॉर्डर, कैसा एंट्री है यार, ये होगा अभी चल तो, कोई यहाँ से ऐसे कर ले। अरे भाई साहब आ रहे, डंडा अब लिया है कि अब मैं इनके पास जाता हूँ पूछने के लिए क्या सिस्टम है भाई तुम्हारा, कहाँ से जाएगा? यहाँ से नहीं जाता है, आपको रक्सौल जाना पड़ेगा। कहाँ पे? रक्सौल 30-35 किलोमीटर यहाँ से। मैप तो यही दिखा रहा था, मैप तो यही दिखाता है, पर यहाँ से गाड़ी पार नहीं होता है, फोर व्हीलर सिर्फ, टू व्हीलर वहाँ से सीधा और आगे जाओ। ये देखना गूगल मैप के चक्कर में भाई कितना डोलना पड़ रहा है, 35-40 किलोमीटर उल्टे जाओ फिर यार, इसके भरोसे मत आना यार, लोकलों से पूछ के आया करो। रक्सौल चलो फिर काठमांडू चलिए, वहां से काठमांडू का लगा लो डायरेक्ट। अरे मैं भी तो कहूँ फील सीन यार, नेपाल घुस रहे हैं यार, कोई भी घुस रहा था वहां से तो डंडा सा लगा के, ऐसे थोड़ी ना होता है बॉर्डर यार, हम अलग कंट्री में जा रहे हैं, कुछ फील सी आनी चाहिए ना, कुछ चेकिंग वेकिंग स्ट्रिक्ट सी हमारी, चेक करो गाड़ी को। नेपाल सीधा है ना? हाँ सीधा है। ओके ठीक बा, धन्यवाद बा, मैं वही तो कह रहा था कि सीधा चलो तो जाए। अब मेरा पता 4x4 गाड़ी लेने का क्या रीजन रहता है, अब देखना इतना अच्छा हाईवे था और एकदम क्या आ गया ये। और भाई यहाँ पे अब देख, यहाँ कुछ ज्यादा वो रहता तो 4x4 लगा सकते थे ना, सोचता ना पड़ती। तुमने 4x4 तो लगाया ही नहीं, अभी क्या जरूरत है इतने में, तुमने लिया था। अरे तो समझा नहीं यार, ठीक अभी जरूरत पड़ जाए तो फिर ऐसे किसी का मुंह ना देखना पड़े, और यहाँ पे है भी नहीं कोई वो, सब यहाँ पे बिहार में बाइक ही बाइक डोल रही है इस वाले एरिया में यार। रुक जा गूगल में, पता नहीं क्या बता रहा है ये, गोल चक्कर से घुमा के तो ना समझ ही बाहर हमारे यू। यहाँ अब रोड आ गोल ताऊ तो पूछ लिया अभी एक बार। अरे भाई रक्सौल जाए एक बार, सीधा जाए। अरे रक्सौल नहीं जाए, काठमांडू जाए एक बार, बिल्कुल जाए ना। कहाँ से बॉर्डर कहाँ से क्रॉस हो, रक्सौल से? हाँ ये रहा, मैं भी तो यही रहा, ये रहा। एंट्री करेगा मतलब भंसार कटाइए क्या, नहीं हुई एंट्री रक्सौल में ही कटेगा क्या भंसार बस? अब हम एक और जगह आ गए, यहाँ पे भी है भाई बॉर्डर, यहाँ पे भी सर आ गए, इनसे पूछ लेते हैं। यहाँ से भी हमने बात करी भाई, और सिक्योरिटी ना है यहाँ पे बिल्कुल, बॉर्डरों पे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, कोई बिहार वाला कोई कैसे ही घूम सकता है। देखो घोड़ा से कितना अनपढ़ ड्राइवर है यार ये, कहते अकल ही ना है, कहते बेच खाई का, देख कैसा ले जा रहा उतारो, जब पता बैक कर रहा छोरा गाड़ी है, जगी तो यहाँ चला रहा है, ट्रैक्टर आज दिल्ली चला रहा होता बुद्धि होती तो। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch. अब रक्सौल पहुंच चुके हैं भाई, बस कैसे कैसे करते हैं वही तो मैं देख रहा था, तो मेरा ये फोन तो पता नहीं है एंड्रॉइड वाला जो लिया था कैसे खराब सा हो गया, चल ही नहीं रहा और चल गया, तो मैंने हटा दिया, मैंने कहा चलो इस पे लगा के देखता हूँ काठमांडू नेपाल, तो बोल रहा है अनेबल टू डिटरमाइन योर रूट देयर नो रोड्स नियर योर डेस्टिनेशन। महिंद्रा लाइक महिंद्रा, और वही स्कॉर्पियो का तो ट्रेंड कभी खत्म होगा ही नहीं जब तक बिहार से नहीं निकल जाते यार। ये देखो आपको इस तरीके से मार्केटों में से जाना पड़ेगा, देखना भाई कितना जाम, पता नहीं नेपाल अब एक आध किलोमीटर आ गई है उसका बॉर्डर, पता नहीं कैसी रास्ता है, कुछ बड़ा सा सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। अरे भाई तो चल तो अभी तुम रक्सौल में हो मेन मार्केट में, चलो अभी तुमको सिक्योरिटी चाहिए। क्या हो गया यार काठमांडू 290 किलोमीटर, 286 तो हमने जब वीडियो स्टार्ट करी थी इसके घर से था। फाटक लगे आ गया, रक्सौल से ही तो जाते हैं ना वो लोग जो ट्रेन से आते हैं, रक्सौल उतरते हैं फिर जाते हैं ना। देख कुछ भी बीच में घुसा रहा है, और यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी हो रही है, अभी अभय और आकाश यहाँ पे गए भी थे पूछने के लिए, आगे भी बैठे हैं काफी सारे बैठे हैं ये लोग, तो यहाँ पे अपने जाकर हम 100 रुपए देंगे तो ये हमको 160 रुपए नेपाली करेंसी देंगे ऐसे बोल रहे थे। ये देखो भाई रक्सौल क्रॉस करते ही भाई बस एक बीच में फाटक सा पड़ा, किसी ने पूछा ही नहीं,
ये आ गया यहाँ पे नेपाल, ये है मेन गेट। यहाँ से तो फील भी आ रही है कि हाँ भाई अपना मतलब नेपाल हम घुस रहे हैं। यहाँ पे देखो टम्पुओं को चेक कर रहे हैं हमारी गाड़ी को, फिर नहीं रोका किसी ने यार कुछ ना। यहाँ पे आ गए नेपाल में, एंट्री भी कर गए, नेपाल आ गया अभी। नेपाल आ गए हाँ, यू आर इन नेपाल ब्रो। अरे भाई ये क्या था, अपने जैसे ही लग रहा है, लोग तो यहाँ से इधर उधर यही हो रहे हैं। देख इंडियन नंबर सारी गाड़ी चले, एनएल नंबर वो नागालैंड का, और देखिए लाल लाल नंबर प्लेट होती है वो मैं डिटेल में दिखाऊंगा भाई। कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है, और चेकिंग दिखा। अच्छा आगे कर लेंगे क्या पता है ना। नहीं भाई यहाँ पे रोक लिए हम, और पेपर वेपर चेक करें यहाँ पे हमारे ना, हमको कटवाना पड़ेगा। और ये नेपाल में घुसते हमारे भाई मिल गए। यहाँ पे लाल रहती है भाई नेपाल की नंबर प्लेट है, लाल नंबर प्लेट रहती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका भंसार होगा, जो आप भंसार भंसार क्या ये गाड़ी का नंबर लिख के भंसार होता है जो नेपाल में आ रही है। टैक्स कटेगा, हाँ टैक्स कटेगा, और 500 रुपया एक दिन का होता है, और आराम से आप जाइए बाहर। अच्छा अच्छा गए अबे यार लेने ना इसको, तो सही है भाई, कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं होती यहाँ तो सिंपल अपना वो कटवाओ और अपना आप चलते बन सकते। और भाई की बाइक पे देखो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये स्कॉर्पियो यहाँ पे कितने की पड़ेगी अगर आप लेने जाओगे तो, मतलब अभी तो आई नहीं है अगर रिलीज, करोड़ में जाएगी, करोड़ में, करोड़ में बहुत महंगी ना नेपाली, मतलब अगर गाड़ी लेनी है तो बहुत टैक्स है। हैरियर का प्राइस है इधर 92 लाख रुपए नेपाली, 92 लाख इधर टाटा का शोरूम है किसी के पास है यहाँ पे, डॉक्टर जो बड़े आदमी है लोग हैं। अरे ये बाइक की मेरे ख्याल 10 लाख रुपए की होगी ऐसे, तो ये बाइक आपको इधर पड़ता है 4 लाख 4 लाख मारवाई 1 लाख रुपए में कितनी ले लो यार। यार अभी तो उनका सर्वर नहीं चल रहा जो टैक्स काटते हैं, करवा ली करेंसी एक्सचेंज 10,000 की करा ली। देखिए कैसे रहे इनके नोट, दिखा सही गाड़ी में देख लियो ना, कभी कोई देख ले ज्यादा नोट है गड्डी सी है पूरी छोरी गड्डी लाए मार। सुन एक बात और करानी है, 6x4 4x4 बहुत देखे, 6x4 क्या आगे और आगे करवा लेंगे। अरे मिल जाएंगे यार, ऐसा कैसा ना सिम भी मारो सब पौधा आ जाओ जल्दी करवाओ यार जल्दी। वो कह रहा था एक बंदा गाड़ी में बैठ जाओ हम गाड़ी में लेकर आ जाएंगे। मैं तो आरसी चाहिए है? हाँ क्या बिना आरसी के ना होगा, आरसी मांग रहे हैं तो इनसे बोल यही है अभी नई गाड़ी बोल रहा है। ये तो बस इंडिया में चलाने के लिए टेम्प्रेरी नंबर, बाहर नेपाल में जाने के लिए नहीं है, वहाँ तो आरसी चाहिए, इस नंबर से नहीं हो रहा। अभी लगे पड़े हैं भाई सारे के सारे, मतलब बहुत टेंशन हो गई यार, बिना आरसी के नहीं जा सकते। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, एक भाई कमेंट आई थी, सब लोग यहाँ से अपना कटवा कटवा के जा रहे हैं। बताओ नंबर भी आ चुका है हमारी गाड़ी का, हमारे पास पर्टिकुलर है जो मतलब वैलिड रहता है, आरसी जल्दी प्रिंट थोड़ी ना होके आती है यार। पहले नंबर प्लेट आई चंडीगढ़ से, फिर वो जब नंबर प्लेट बन जाती है तो उसके बाद ही तो वो होता है। अभी लग रहे हैं कुछ जुगाड़ हो जाए तो, वरना भाई वापसी जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है यार। इस बात तो कर रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी नहीं आती आरसी वारसी, देखो क्या होता है। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है आरसी लेके आओ, आ जाओ छोड़ो चलो। हाँ चलें उल्टे ही चलें फिर भाई, और कहाँ करें। और साफ साफ कह दी कि ना भाई फिजिकल आरसी चाहिए, हमारी आरसी कल आ जाएगी प्रिंट होके, लेकिन नहीं। अब सबके मुंह उतर चुके भाई, ये पहले हम करेंसी भी ले आए थे, ऐसे देखिए कैसी रही इनकी, 500 को नोट है इस टाइप का रहता है यार, नेपाल राष्ट्र बैंक 500 रुपया। अभी उल्टे करने जा रहे हैं इनको कि भाई यार हमारा नहीं हो पाया, उल्टे दे दो। अब हम वापसी आ गए हैं भाई, ये देखो यहाँ नेपाल से छोड़ के थोड़ी सी उम्मीद एक जगी हमको, उन्होंने बोला आप नंबर प्लेट लगवा ले आओ इस पे तो हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं नंबर प्लेट लगवाने के लिए, एक रक्सौल के भाई हमको मिल गए थे, ये देखो नेपाल के भी मिल गए, रक्सौल के भी मिल, मतलब बिहार के भी मिल गए, तो ऐसे कोऑपरेशन तो बहुत अच्छा सा हो रहा है। इन्होंने तो बहुत ऑप्शन दिए कि आप गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो, तो वो नेपाल वाले भाई ने बोला कि मैं बाइक दे दूंगा आपको, 2 बाइक है मेरे पास, अब उनसे घूम लेना। पर वो बाइक से मजा है नहीं यार, जो गाड़ी से घूमने का मजा है वही है यार, कि हमको ये कि हमारी गाड़ी चली जाए तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, तो नंबर प्लेट लगवा के ले आते हैं, क्या पता उससे बात बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि नंबर तो गाड़ी का आई रखा है ना, बस वो कल प्रिंट हो जाएगी। मैं बता दूं वो कल, मैंने आरटीओ वाले बंदे से बात करी अपने से, वो बोल रहा कल लग जाएगी, मतलब मेरे को व्हाट्सएप कर देगा कल प्रिंट हो जाएगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो नहीं चलती फोटोकॉपी, आपको फिजिकल ही चाहिए आरसी। अब यहाँ दोबारा से रक्सौल में आके भाई अब हम बनवा रहे हैं नंबर प्लेट अपनी, और क्या करें यार, उन्होंने बोला नंबर प्लेट से हो जाएगा तो ये नंबर प्लेट बन जाएगी। और इतनी अंदर दुकान है, ये भाई हमको मिल गए हमारे सब्सक्राइबर जो, अरे ये यार हर जगह मिल जाते हैं सब ना,
जैसे काम बन जाता है, वरना हम तो कहीं ढूंढते रह जाते। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या नंबर है हमारी गाड़ी का। बहुत भाइयों को एक्साइटमेंट थी, तो भाई हम छुपाने का कुछ बचा नहीं है इसमें। वही जो अपनी थार पे है, वही जो अपनी क्रेटा पे है, और सेल्टोस भी 1143 है। अभी क्या करें, नंबर प्लेट पे लगवा लेते हैं। देखो कैसी मजबूरी अटकी है यार, कमाल हो गया। ऐसे स्टिकर वाली बनवा ली हमने, क्योंकि HSR भी तो आई रखी है घर पे। अब इसकी वैसे हमको जरूरत पड़ रही थी बस नेपाल घुसने के लिए। HSR भी लगवा लेंगे घर जाते ही। यार एक RC ना होना ना इतना बड़ा दुख दे रहा है। ये भाई के पापा उसमें ही है, तो ये भंसार वगैरह में, तो ये तो अपना करने लग रहे हैं जुगाड़ भी। और यहाँ हम 3M ये टेप से, डबल टेप से, क्योंकि उस पर लग ही नहीं रहा दुकान वाले पे से यहाँ पे, क्योंकि HSRP का ट्रेंड है ही नहीं इन पर, वो मशीन से लगाना ही नहीं आता नंबर प्लेट, तो हमको ऐसे खुद ही ऐसे टेम्परेरी से जुगाड़ करना पड़ रहा है ये लगा लगू के। तो भाई यहाँ ना बिना RC के आके ऐसे टेम्परेरी नंबर लेके कभी मत गलती कर देना ऐसे नेपाल साइड आके, बड़ी भूल हो गई। चिपका दो यार फटाफट ढंग से जो छूटे ना, वरना वो नेपाल वाले कहते हैं हर चौक पे पुलिस मिलेगी आपका, हर बार चलान कटेगा, क्या फायदे से नंबर प्लेट भाई लगवा ही ले आओ। अब भाई फिर से वहीं पे आ गए हैं हम लोग जहाँ ये कटता है ना वो का परमिट। अब देखो यार वो लोग ट्राई तो करे, नंबर प्लेट लग गई है, अब घुस जाए तो अच्छा है, वरना भाई बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ, बहुत बुरा। जी भाई क्या सीन है अब? अरे भाई अब तो सब करवा लाए यार, सब करवा लाए, सब पैसा वैसा सब दे दिए। अब जो इनके सर है वो उठ के चले गए हैं चाय नाश्ता करने, तो आएंगे साइन करेंगे जब होगा। हो तो जाएगा, हो जाएगा कैसे? अब पैसे तो ले लिए, मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो जाएगा। मैंने यहाँ पे काफी देर टाइम स्पेंड कर लिया इनके साथ, चल जाता है, लग रहा है कि होता है, हो जाएगा। अभी कैमरे के आगे खड़े हैं, फोटो वोटो भी होते हैं गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ। अब थोड़ा डिटेल ही दे देते हैं अबे भाई कि कैसे हुआ ये, क्योंकि आपकी ये बात सुन के कि हो जाएगा बड़ी राहत सी मिली है। पहले जब हम गाड़ी लेकर आए, कागज लेके अंदर गया, फिर मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं होगा, ओरिजिनल RC चाहिए। मैंने और आकाश ने उसमें बहुत रिक्वेस्ट करी पर नहीं माना, बोला ना ओरिजिनल RC चाहिए। फिर मतलब हमको ना वहाँ पे थोड़ा रियलाइज हुआ इनके मन में है करने लायक। वो आया अंदर से, एक दलाल मिला, मैं और आकाश बात करने के, दलाल मतलब ब्रोकर टाइप का था वहाँ पे, बस ऐसे ही काम करता था। बोला कि तुम जो इस पे नंबर है इसको गाड़ी पे लिखवा के लाओ, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। फिर जब तुम नंबर लिखवाने चले गए, ठीक है, उसके बाद एक वहाँ पे और तीसरा बंदा आया, वो अंदर शायद वो कोई था ऑफिसर कस्टम का, वो बोला कि एक बार नंबर लिखवा के लाओ, फिर मैं अंदर जाके बात करता हूँ जो हमारे बॉस हैं। फिर इतने में वो सब्सक्राइबर भाई के पापा आ गए, फिर वो भी कस्टम में थे, मतलब उनकी कुछ थी ऐसे सेटिंग, फिर वो अंदर गए, उन्होंने बात बात करी, फिर हमारी गाड़ी कैमरा के सामने। हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें कुछ दो नंबर ही नहीं था, नहीं, कि कुछ वैसे पैसे वैसे के दो नंबर तरीके से, उन्होंने बाकायदा गाड़ी कैमरे के सामने लगवाई, गाड़ी का फोटो वोटो लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे साइन वाइन कराए, किसी के साइन नहीं हो रहे थे बाकायदा, मेरे सारे साइन वाइन कराए, फोटो कॉपी रखी, सारे डॉक्यूमेंट्स की जो पर्टिकुलर वगैरह हमको मिले। कहने का मतलब ये टेंशन का काम, अगर बिना RC के आ रहे, बिना RC के आओ तो टेंशन का काम, बहुत मोटी टेंशन, 5 मिनट में तुम्हारा भंसार कट जाता है, मतलब 350 रुपए एक दिन का कटा ना इनका है नेपाल में, 312 कुछ 312 रुपए 50 पैसे और हमसे 4-wheeler की, हमसे कितने लिए 350 और 600 रुपए परमिट के लिए थे, तो हमने 5 दिन के लिए कटवाया है। हाँ, हाँ, 5 दिन के लिए। ओ भाई फाइनली हो गया लगता है, ये साइन वाइन से कुछ कर तो रहे हैं पेपर वेपरों पे। भाई यहाँ के बंदों ने बड़ी हेल्प करी है इस भाई ने ना, इसके पापा उसमें नेपाल में कुछ तो लग रहे हैं, तो भाई बड़ी हेल्प हो गई यार। ये सब्सक्राइबर भाई जहाँ मिल जाते है ना छाती चौड़ी सी हो जाती है यार। लो भाई यहाँ पे अब नेपाल एंटर करेंगे और फाइनली हमको मिल चुका है भाई ये अपना ओरिजिनल पेपर ना लिए, तो हमको और क्या कह रहे थे। चलो चलो ले ले ओरिजिनल, लेंगे ना अभी, यहाँ से लगा लेता हूँ गाड़ी। ओ फाइनली थैंक गॉड भाई साहब, इतना टेंशन फ्री काम, 6 बज गए यहीं पे। लापरवाह मेरे यहाँ दिन ही मैं कर, तुम पहले लेके बैठ गए। ये देखो भाई कुछ इस तरीके की ब्लू आपको ये मिलता है, इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी है हमको, अंदाजा नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा। और ये अब हमको संभाल के रखना है, अब यहाँ पे यही चेक होगा हमारा बार बार ना, पर घुस गए भाई हम। मैंने तो एक बार उम्मीद छोड़ दी थी कि चलो उल्टे चलो, कोई बात नहीं, इतना डोल लिए यार अब क्या कर सकते हैं, वेस्ट हो गया। पर जैसे ये भाई अभी तक भी रात को भी रुके हुए हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, ठीक है भाई जी, शुक्रिया, ओके। करेंसी एक्सचेंज करवा रहा है अभी आकाश दोबारा से, पहले तो हमने वो करवा दी थी रिटर्न, फिर से ले लिया था। यहाँ पे 10,000 के कितने मिलते, 16,000 जैसे हिसाब है। तो यहाँ पे वैसे भाई अच्छे हैं, जैसे हमको पता चला था ना पहले कि भाई नहीं ले रहे, तो हमने फिर रिटर्न कर दिए थे, फिर अभी उल्टे दे रहे हैं, हो गया। पर यार चलो फाइनली, ये अंकल जी मेन जिन्होंने पूरा काम करवा के दिया डन, जिनकी मैं बात कर रहा था, ऑल थैंक्स। और अब समझा भी रहे कहाँ कहाँ घूमना कहाँ नहीं। यहाँ पे इस तरीके की NCL की सिम मिल जाती है, देखिए भाई यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है। ये 100 रुपए की मिलती है, जिसके अंदर 250 MB नेट मिलेगा, बाकी अभी हम यहाँ से रिचार्ज करवा लेंगे,
कितने का होता है जो भी 10 GB 20 GB जैसा भी रहे, 20 रुपए आज भी यहाँ पे वही चलता है, 20 रुपए आएंगे ये आएंगे। 10 साल कॉस्ट इसकी 100 रुपए है और वो भी इंडियन करेंसी। 65 रुपए आईसी में आपको 5 GB मिलेगा क्या? 65 रुपए की में 5 GB तो वही दो ना फिर, वही अलग से डालेंगे सर। अच्छा बस 65 रुपए में 5 GB है, बड़ा 2G 3G 4G आप चलते हैं भाई, हेतुराज आ रहे हैं हम लोग। शादी हो रही है, शादी चले आई मैं। अरे कैसी शादियाँ होती है सर, अरे नाच रहे हैं भाई। अभी नेपाल की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, अब हेतुराज आ रहे हैं जो अंकल ने बताया था हमको। गाना कौन सा चल रहा है? सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के रहे हो अश्लील मानो। अरे तुमको कैसा लग रहा है ये बताओ? अरे हमको तो अभी तक तो इंडिया ही लग रहा है, मस्त लग रहा है, इंडिया जैसा ही नहीं। अरे जब ऐसे भाई आपने देखा आकाश का मुंह एकदम उतर गया था पूरे गुस्से में। अरे अभी सर भारी हो रखा, अभी वो खुशी सिर दर्द हो रखे यार हमको ना, अभी तक सिर दर्द हो रखा है। मजा आएगा जब यहाँ से निकल जाएंगे कल सुबह जाओ। हाँ यार कुछ है अभी, आज तो बस ऐसे है कि होटल लेके अब सो जाओ यार, थक गए इतने ज्यादा। और भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप इतने खाली और ये रोड इतने खाली क्योंकि व्हीकल्स ही नहीं है। मैंने बताया ना व्हीकल्स के प्राइस इतने ज्यादा, गाड़ियों के बस कमर्शियल दिखते हैं, रोड एकदम खाली इतने बड़े बड़े कमर्शियल भी इंडियन नंबर। हाँ यार यहाँ पे पता नहीं क्या है, गाड़ियाँ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। चलो भाई अब हम थोड़ा पहाड़ी रास्ते कवर करने के बाद धोतेड़ा पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा ATM में चलता हूँ। हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमको कम लग रहे हैं, केवल 20,000 एक्सचेंज करवाए, लेकिन यहाँ की जैसे रेट वेट सुन रहे हैं ना हर चीज के भाई बड़े महंगे हैं, तो हमको लग रहा है थोड़ा वो होंगे, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ निकलते नहीं निकलते ATM से। मेरा तो इंडियन कार्ड ही है ऑब्वियसली, वीजा का है, देखते हैं देखता हूँ पैसे मिलते हैं नहीं मिलते। मैं इंडियन कार्ड ये फोटो ATM से भाई 500 रुपए लगेंगे, 500 NPR कितने पे 500 लग रहे हैं? 10,000 पे, 10,000 पे 500 NPR रहन देता हूँ अभी, रहन दे महंगा यार भाई, अब ना कैश लेके आना चाहिए था यार, दिक्कत होगी ना। यहाँ इंडियन करेंसी 160 रुपए से स्प्राइट मिल रही है, हमारे 90 की मिलती है यार, महंगा तो बड़ा है भाई ये शहर, शहर क्या कंट्री। नेपाल में आके होटल ले लिया भाई हमने, देखो कुछ ऐसा है ये, मतलब घर टाइप ही है लेकिन अच्छा है। अब मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा भाई, अभी बहुत ज्यादा हम लोग थक गए हैं, अब बस सोने का प्लान है। वीडियो देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच। और बिग डैडी इज रियली बिग इवन देन फॉर्च्यूनर।